पचम्बा स्थित श्री गोपाल गौशाला के द्वारा आयोजित दो दिवसीय कार्यशाला में शनिवार को कार्मल स्कूल के करीब 400 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। कार्यक्रम संयोजक निर्मल सलामपुरिया के नेतृत्व में आयोजित कार्यशाला में आए हुए सभी छात्र छात्राओं को गौशाला मंदिर प्रभारी अशोक बगेड़िया के द्वारा सर्वप्रथम राधा कृष्ण मंदिर का दर्शन करवाकर प्रसाद वितरण किया गया। मंदिर दर्शन के बाद विद्यार्थियों ने दूध प्रभारी चांद केरिया से A2 एवं A1 दूध के अंदर के साथ साथ दूध पैकिंग व वितरण की जानकारी प्राप्त की। महिला रोटी गाय की कार्यक्रम के संयोजक अमित जलाल ने स्वचालित रोटी मेकिंग मशीन से रोटी बनाने तथा गाय को रोटी खिलाने के महत्व को बताने का प्रयास किया। कार्यकारिणी सदस्य प्रमोद कुमार ने सभी छात्र छात्राओं को गौशाला की स्थापना तथा संचालक के उद्देश्य के बारे में विस्तृत पूर्वक जानकारी देते हुए बताया कि अनुप्रयोगी बूढ़े बीमार गौवंश का पालन पोषण करना गौशाला का मुख्य उद्देश्य है। गौशाला सदस्य नीलू केरिया ने देशी गाय तथा जर्सी गाय के अंतर को विस्तार पूर्वक बताते हुए देशी गाय की उपयोगिता की जानकारी दी। इस दौरान सभी छात्र छात्राओं ने अपने हाथों से गौ माता को रोटी भी खिलाई। कार्यशाला पूर्व सचिव ध्रुव संथालिया, कार्यकारिणी सदस्य प्रवीण बगेड़िया, अनिल अग्रवाल, सज्जन बगेड़िया, विमल केरिया, दिनेश खेतान, श्रवण केरिया समेत कई प्रमुख लोग मौजूद रहे। अंत में सभी विद्यार्थियों के साथ मिलकर 100 नीम के पेड़ लगाए। अब आपके शहर गिरिडीह के मेन रोड में खुल चुका है पाकिजा फैशन, बड़े ही खूबसूरत अंदाज में। जी हाँ, आपने सही सुना। अगर आप अपने परिवार के सभी लोगों को देना चाहते हैं नए लुक के साथ नए फैशन की फैंसी ड्रेस, वो भी ब्रांडेड कंपनियों के उत्पाद, तो आपका स्वागत है पाकिजा फैशन।